हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, और जहां कहीं भी हैं जल्दी से आएँ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे, और सजेस्ट और कमेंट तो बनता ही है। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो की रिएक्शन के लिए, क्योंकि दुनिया भर में चर्चा तो हो ही रहा है। चंद्रयान का कि कब पहुंचेगा वो चंद्रयान, और चांद पे जो खोज लगाएंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या खोज लगाई है। बाहर लोगों की जुस्तजु और दिन ब दिन जो है ना बढ़ती चली जा रही है, और लोग बेताब जो है ना इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब पहुंचेगा चंद्रयान थ्री। तो दोस्तों इसी तरह की एक वीडियो, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। हिंदी में जी, तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के, यानी वीडियो का टाइटल है सारा शुरू में हिंदी में लिखा हुआ, और फिर चंद्रयान थ्री इसरो, तो करंट लोकेशन किस जगह पर है इस टाइम पर चंद्रयान, तो पता लग जाएगा इस वीडियो में। तो लोकेशन भारत के लिए आई अभी अभी एक बड़ी खुशखबरी। कितना बड़ा इसरो के वैज्ञानिकों ने आज दोपहर यानी 9 अगस्त को 1:45 पर चंद्रयान 3 को चांद की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करा दिया है। अब इसकी चांद से न्यूनतम दूरी यानी कि तीसरे ऑर्बिट में 179 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1412 किलोमीटर है, यानी अब ये चांद के 179 किलोमीटर इंटू 1412 किलोमीटर के ऑर्बिट में अंडाकार चक्कर लगा रहा है। अब आगे 14 अगस्त की दोपहर 12 बजे इसे घटाकर 1000 किलोमीटर कर दिया जाएगा। 14 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास 5वां लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन होगा। 5वें ऑर्बिट मैन्यूवर में इसे 100 किलोमीटर की कक्षा में डाला जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। 5 अगस्त के बाद 17 अगस्त की तारीख इसरो के लिए कड़ी परीक्षा से कम नहीं होगी। इस समय चंद्रयान 3 उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर चंद्रयान 2 गया था, बस आखिरी ऑर्बिट में बदलाव किया गया है। 18 और 20 अगस्त को डी ऑर्बिटिंग होगी, यानी चांद की ऑर्बिट की दूरी को कम किया जाएगा। लैंडर मॉड्यूल 100 × 35 किलोमीटर के ऑर्बिट में जाएगा। इसके बाद 23 की शाम 5:47 पर चंद्रयान की लैंडिंग करवाई जाएगी। इसरो को मिल रही इन लगातार सफलताओं के बाद आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, इसके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बी हैप्पी, बाय बाय। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आई है भाई चंद्रयान से। जी सिमल, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये अपना चंद्रयान की जो वीडियो आई है, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। एक सबसे बड़ी बात इस वीडियो को देखने के बाद पता लगा कि 5 अगस्त से 17 अगस्त के तक जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, कि 14 अगस्त से समझ लो इम्पोर्टेंट टाइम स्टार्ट है इनका। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा 14 अगस्त, 5 से लेके 14 तक, और 14 से 17 तक बिल्कुल है ना बड़ा जो है ना इंटरेस्टेड जो है ना वो टाइम है, कि भाई इस टाइम पीरियड में जो इन्होंने जो तमाम चीज़ों को जो है ना वहाँ तक पहुँचाना है चंद्रयान 3 को। उसके बाद जो है ना 23 अगस्त को लैंडिंग करवाएंगे 5:00 पर। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, और सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जो जो पहले चंद्रयान 2 में जो खामियाँ थी वो उसको बरक्स रख के जो है ना फिर इसको जो लैंडिंग कराई जाएगी। और बड़ा स्टेप बाय स्टेप में देख रहा हूँ कि फटाफट कर रहे हैं ना, कभी अभी तीसरी रो में तो उसको दूसरी में लाएंगे, फिर 1 में आके जो फिर वो बाद में जो है लैंडिंग करवाई जाएगी। बिल्कुल। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि रात और दिन की मेहनत है, और सालों की मेहनत है। हम तो देख रहे हैं कि भाई चंद्रयान 3 भेज दिया और वो जो है स्पेस पे जाएगा और ये आ जाएगा, लेकिन आप अगेंस्ट में देखें कि इसरो की जो मेहनत है, बैक पे देखें इसरो की जो मेहनत है, डे 1 से एक साल से ये मुस्तकिल जो है ना रात और दिन लगे हुए, और अभी भी आप देखें कि हर एक एक सेकंड की जो है वो अपडेट ले रहे हैं कि आप कहाँ पे पहुंचे, आप कहाँ पहुंचे। पूरी टीम बैठी हुई है, रात दिन बैठी हुई होगी वो टीम, और कितनी मेहनत कर रही होंगे, और पैसे जो लगे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेहनत देखें आपके, पूरी मेहनत है, कितनी बड़ी टीम होगी, और सब जो रात दिन एक कर रहे हैं ना,
तो बहुत बड़ी मेहनत अपडेट कर रहे हैं एक से एक चीज को जो है ना देख रहे हैं। अच्छा फिर बड़ी बात ये होती है कि जब इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के जो फोन आ रहे होते हैं उन लोगों को जो है ना ब्रीफिंग देना उन लोगों को बताना। सबसे बड़ी बात पहली जो इनकी लैंडिंग थी वो नहीं हो पाई सही है कामयाब नहीं हो पाई तो अब इस दफा इन्होंने कामयाब करना है तो ये ज्यादा इनके दिमाग में होगा कि चाहे कुछ भी हो सॉफ्ट लैंडिंग हो और होनी चाहिए एक एक मिनट की जो है ना इनकी जो है ना एक एक मिनट की अपडेट ले रहे हैं कि ताकि वो तमाम तरह चीजें जो है मद्देनजर रख के जो है इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराएं। बिल्कुल बिल्कुल स्पीड को भी देख रहे हैं कि कितनी स्पीड बढ़ानी है कितनी स्पीड को कम रखना है उस स्पीड के हिसाब से जो है ना किलोमीटर को जो है ना कवर कर रहे हैं कवर कर और फिर लास्ट में जो है 100 किलोमीटर के बाद जो है ना फिर ये जो है इन होंगे ऑर्बिट के अंदर और उसके बाद जो फिर सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे। सॉफ्ट लैंडिंग तो बहुत ही जबरदस्त ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है कि दुनिया में जो है ये अपने आप को जो मनवा लेंगे और दुनिया में मुझे लगता है ये इसरो 3 कामयाब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल असल में देखें कि एक मेहनत एक लगन और वो तमाम तरह फैसिलिटीज इनके पास मौजूद है इतना सारा पैसा और फिर एक से एक टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने जो है यूटिलाइज की है। बिल्कुल अच्छा एक चीज और मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये लैंडिंग हो जाएगी तो ये दुनिया की कौन सी तीसरी चौथी यानी पहली तो उस ऑर्बिट में जाने के बाद होगा इनका एक एजाज हो जाएगा लेकिन चांद पे पहुंचने का चौथा फोर्थ कंट्री बन जाएगी ना। पहले पहले अमेरिका है फिर चाइना है फिर जो है रशिया है लेकिन उसके एशिया में तो पहली कंट्री एशिया की भी दूसरी कंट्री हो गई ना दूसरी हो गई ये एशिया में आता है ना चाइना और इंडिया पाकिस्तान। तो आप ये देखेंगे फोर्थ जो है ना कंट्री जो है कहलाएगी कि भाई चौथे कंट्री जो है ना इंडिया जो है ना उसमें चांद पर जो है ना इन्होंने लैंडिंग कर ली है। बिल्कुल नहीं भाई मेहनत का फल होना चाहिए और मेहनत का फल इनको मिलेगा बिल्कुल मिलेगा जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी और ये जब खुशखबरी हमें मिलेगी तो हम भी रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल कई सालों की मेहनत है कोई एक दो दिन की मेहनत नहीं है कई सालों की मेहनत क्योंकि 1955 में जो है ना उसने कदम रखा था अमेरिका ने बिल्कुल वैसे ना कि उन्होंने जो है पहला जो है ना अपना स्पेस पर जो है ना कदम रखा था उसके बाद जो है फिर चाइना और फिर जो है रशिया तो अब जो है ये इन्होंने कदम तो रख चुके हैं और इन्होंने थोड़ी सी खोज भी लगाई पानी की खोज लगाई। अब मजीद जो जो चीज़ें रिसर्च करेंगे तो वो एक अलग ही नजर आएंगे जो चीज़ें फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में रह गई थी वो चीज़ें थर्ड में कंप्लीट करनी है कंप्लीट कर लेंगे अगेंस्ट में और मजीद चीजें जो है ना ये देखेंगे कि भाई अर्थ में वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उनको क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिल सकती है वो सारी चीजें वहाँ पे वो खोज लगाएंगे। पहले सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए सबसे बड़ी बात है ये टेंशन हमें भी नहीं हो जाएगी क्योंकि जिस तरीके से ये लेके चल रहे हैं ना तो ये तो होना ही है होना है। 23 को जो है ना अगस्त को जो है शाम 6 बजे तक हमारी टिकटिकी दुनिया की टिकटिकी जो है ना इसके ऊपर होगी और क्या वो समा होगा लोगों की धड़कने और लोगों की जो है ना अभी से तो रुकी नहीं होगी वो जो पूरी टीम है उनकी धड़कन खाना पीना हर चीज स्टॉप हुआ होगा। उसकी स्पीड में देख रहा था कितनी तेज स्पीड में जा रहा है कि वो यानी कि डे बाय डे जो है ना अपनी जो है ना मंजिल की तरफ बिल्कुल और स्पीड कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं स्पीड बढ़ेगी ना स्पीड बढ़ेगी फिर वहाँ जाके 100 किलोमीटर के बाद जाके जो इन्होंने जो है ना फिर ऑर्बिट की तरफ जो रवाना करेंगे। अच्छा कमान तो सारी इन्हीं के पास है किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करानी है ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी ऊंचाई पे जाके उसकी पूरी कमान जो है इनके पास है जो है ना ये हेलीकॉप्टर कर रहे हैं बहुत ही जबरदस्त जितनी तारीफ की जाए कम है। बहरहाल ये वीडियो तो आती रहेंगी और हम अपने कमेंट्स से आगाह करते रहेंगे और इसी तरह का रिएक्शन देते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाजत दें एक मैसेज है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़।